भागलपुर जिले में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसकी क्षति का आकलन करने के लिए आज केंद्र की विशेष टीम भागलपुर पहुंची है और खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर, बेगूसराय के जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर वहां की कितनी क्षति हुई इसका आकलन कर रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में कृषि के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है बाढ़ से। इसके आकलन करने के बाद केंद्र सरकार जो है विशेष राशि भेजेगी बिहार सरकार को और उसके बाद जहां जहां क्षति हुई है उसका कार्य किया जाएगा। इसके बाद आज समीक्षा बैठक कर केंद्र टीम नगोछिया पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर भी जो क्षति हुई थी कोसी और गंगा से उसका भी आकलन किया है, एरियल सर्वे किया है। इसके बाद केंद्र टीम यहाँ से जो है पटना पहुँचेगी, उसके बाद केंद्र पहुंचकर केंद्र सरकार को यहां से क्षति हुए का जितनी क्षति हुई है बाढ़ से उसका आकलन रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी। अभी समीक्षा चल रही है। इसके बाद बता दें कि करोड़ों का नुकसान, सिर्फ 400 करोड़ का नुकसान कृषि के क्षेत्र में हुआ है। 51,000 हेक्टेयर में लगे फसल किसानों के बर्बाद हो गए थे इस वर्ष। पिछले वर्ष भी किसानों के फसल बर्बाद हुए थे, लेकिन इस बार जो है 400 करोड़ की जो क्षति बताई गई है कि 2016 से ज़्यादा 2021 में बाढ़ आया है और ज़्यादा क्षति भी हुई है। इसके बाद बता दें कि 2017 में भी केंद्र सरकार से 1700 करोड़ की मदद मिली थी राज्य सरकार को और 2019 में करीब 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता केंद्र से मिली थी और 2020 में केंद्र सरकार से 1255 करोड़ की मदद मिली थी और इस साल 26 जिले के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। करोड़ों का नुकसान जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन बहरहाल अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट जाने के बाद केंद्र सरकार कितनी राशि मुहैया बिहार सरकार को करवाती है और बिहार सरकार कितना जल्द उस सभी कार्यों पर काम करवा पाती है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। हाँ, देखें जी, देखिए आप लोग अवगत हैं कि जो सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल जो एक टीम होती है उस टीम का भ्रमण था, जिसमें एक संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी उसको हेड कर रहे थे। तो कल वो टीम का भ्रमण दरभंगा में था, वहाँ भी कई जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ। आज उसी क्रम में भागलपुर में खगड़िया और बेगूसराय के जिला पदाधिकारियों द्वारा भी जो बाढ़ को लेकर के क्षति हुई है उसके बारे में अवगत कराया गया और भागलपुर जिले में नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कई स्थानों का टीम ने दौरा भी किया, देखा भी जो फसल क्षति हुई है या जो पुल पुलिया डैमेज हुआ है। तो हम लोगों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया और उनको बताया कि जो अभी फ्लड आया हुआ था उसके कारण किस तरह की क्षति हुई है। तो टीम सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके फिर राज्य के जो मुख्यालय है पटना वापस हुई है और फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई हुई है। कितने का नुकसान हुआ? नहीं, ये तो देखिए, ये डिपार्टमेंट वाइज असेसमेंट तैयार होता है, तो हम लोगों ने सारा विभाग को भी भेज दिया है, कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी दे दिया है और ये समेकित प्रतिवेदन जो है ये टीम के समक्ष दिया जाता है विभाग के स्तर से, वो कार्रवाई हेडक्वार्टर लेवल पर होनी है। सर जी, एनएच और बाईपास को लेकर कोई चर्चा?